दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार को घग्गर के पानी से प्रभावित गांव में पहुंचे और बाढ़ से बचाव की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। गाँव बुड्डी मेड़ी में घग्गर नदी के पुल पर उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अब बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है और उपायुक्त स्तर पर नुकसान के आंकलन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रभावितों की पर्याप्त सहायता की जाएगी। इस समय हरियाणा में करीब 1400 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त मदद दी जा रही है। खेतों में जमा पानी की निकासी के लिए उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर मदद के उद्देश्य से प्रशासन डीजल व अन्य आर्थिक मदद देकर किसानों की क्षतिपूर्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिरसा में घग्गर के इतिहास में कभी भी 50,000 पानी नहीं आया। ऐसे में शासन प्रशासन ने स्थिति को बेहतर तरीके से संभालते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सिरसा जिला में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। शाहबाद व अंबाला के जिस रिहायशी इलाकों में पानी आया था, वहां से पानी अब डी वाटर हो चुका है। दादरी में भी थोड़ा पानी बाकी है, जिसे अतिरिक्त पंपिंग सेट लगाकर तत्परता से निकालने के आदेश दे दिए गए हैं। जिन स्थानों पर घग्गर नदी के तटबंध कमजोर हैं, उन्हें मजबूत किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां पानी खड़ा है, वहां से पानी निकालने का काम जारी है। सरकार द्वारा समय समय पर की गई व्यवस्था के कारण ही यह संभव हो पाया है कि बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। जिन ढाणियों व रिहायशी इलाकों में पानी भरने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को इस आपदा के कारण नुकसान हुआ है, सरकार उनकी भरपाई करेगी। ग्रामीणों ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से घग्गर नदी की खुदाई करवाने और इसके तटबंधों को मजबूत करवाने की मांग की, जिस पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शीघ्र ही घग्गर नदी की खुदाई करवाकर इसको गहरा करवाने और उसके दोनों तटबंधों को 4 फुट ऊंचा उठाकर कोटू हेड तक पक्की सड़क करवाने का भी आश्वासन दिया। रोड बना आप 40 किलोमीटर वाले दोनों बचे पास इधर ले 4-5 फुट थोड़ा बंद तो है। हाँ, 70 फुट, 40 फुट, 33 फुट जो भी सड़क आप ले सकिए। हाँ, सड़क ले 4-5 फुट मैनू और ठा ऑप्शन एक हो रहा है। मिट्टी जब आती है ना, बोर ब्लॉक हो जाती है। रिचार्ज बोर जो है वो तो कई ऐसी जगह अच्छा है, जैसे अपने ऑटो हेड में तो हम बना सकते हैं, क्योंकि पानी आके डीसिल्ट हो जाए। कच्चा इधर गुरुद्वारे पीछे और परले पासे भी। अच्छा, हरपाल जी, हरपाल जी, पानी का लेवल कम हो जाए टेस्टिंग करवा लेना। ये कहते हैं अभी वाइब्रेशन तो नेचुरल है इतने पानी के फ्लो में, मगर इसके साथ दोनों तरफ इरिगेशन से लेके और उसको ब्रिक का अपने वो करवा लें, कलवेट बोलते हैं ना, जब इस कैचमेंट को प्रिक्योर करें। तो ये फ्रंट चाहिए, पीछे वाली तरफ तो उसकी एज चाहिए होती है कि थ्रस्ट ना आए बाहर। इसमें स्टोन पिचिंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं सर, एज इट इज पहले ऑलरेडी जो है इंफ्रा को भी इसकी प्रोटेक्शन देते हैं सर। एक सर एक एक सर सैफल जाओ तो काम ही होना ही होना, इधर सीरा थोड़े सर होना चाहिए। आप खुदाई का जो बता दे रहा हूँ ये तो मैंने लगा दी थी, पर ठीक है सर। बाद में उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर के घग्गर नदी की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। स्थिति कंट्रोल में है और लगभग घग्गर का जो सिरसा जिले का बैंक है उसको सभी लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर सिक्योर रखा हुआ है और पिछले 24 घंटे में लगभग 1 फुट पानी गिरा है और आगे ये मानते हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा गिरावट आएगी। अभी तो खतरे की जो लाइन थी
उससे नीचे चल रहा है, मगर पानी का फ्लो जो है अभी भी 50,000 क्यूसिक के आसपास है। और प्रिकॉशन यही रखनी पड़ेगी कि जो 25 से लेकर 28 तक अब बारिश का अनुमान आया है हैवी रेनफॉल का, उसके अंदर हम इस एरिया को सुरक्षित रख पाए। किसानों से मिले हैं, उन्होंने क्या सुझाव रखे? देखिए, दोनों दो तरह की मांग आई है। एक तो इंटरनल बांध के जो रोड वो है पेड़, उसको हटाया जाए कि बांध की स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, और दूसरा है कि इसका जो बैंक है इसको रेज अप और किया जाए। तो इसको फ्यूचर में जैसे हमने 16 किलोमीटर ओ टू हेड तक दोनों तरफ आज 4 फुट रेज करके बांध के ऊपर सड़क बनाई, फ्यूचर के अंदर हम इसको भी टेकअप करेंगे कि इसका लेवल भी रेज किया जाए और सड़क भी। जो फसलें जलमग्न हुई उसके लिए स्पेशल कोई मुआवजा? देखिए, जहाँ जहाँ डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट आएगी उस अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा। जिनके कोई लाइफ का रिस्क आया है, डेथ हुई है, पशु मरे हैं, उसके लिए ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स को फंड्स भी और पावर्स भी दे दी गई हैं कि वो केसेस को अपने लेवल पर डील करके इमीडिएट रिहैबिलिटेशन लोगों को दे पाए। नेता प्रतिपक्ष भी आए, उन्होंने कहा कि पूरी तरह खेली रहे पहले प्रबंध, चलिए उनकी सरकार थी 2010 में, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, और जब कितना जलमग्न हुआ था 26,000 क्यूसिक में, आज 50,000 क्यूसिक पानी के बावजूद भी हम इस एरिया को बचा पाए हैं। मुझे लगता है ये समाज के जुड़े हुए सभी संस्थाओं की और प्रशासन की जॉइंट मेहनत के कारण ही हो पाए। सर, एक नहरें जो छोटी नहरें निकलती है कच्चे, उनकी सफाई काफ़ी समय से नहीं हुई है और वहाँ टहल तक पानी अभी भी पहुँचना मुश्किल हो। चलिए, वो एक अलग विषय, तो बाढ़ की परिस्थिति जो 12 जिलों के अंदर है उसको कैसे हम टाइमली कर